आप सभी को बता देते हैं कि हमारा पुआ किस तरह से है। तो चारू काफी ज्यादा तंग कर रही है, तो इसको दे देते हैं एक ऐसे फाड़ करके, ये ताकि अच्छा रहेगा। सही बना दिए हैं इस तरह से। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती बहुत ही अच्छे होंगे। सोना चारू ब्लॉग पे आप सभी को स्वागत है। सो दोस्तों, अभी दोपहर का बज रहा है 2 और अभी से ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है और पूरी तरह से मौसम अभी बादल बादल किया हुआ है। ये देखिए इस तरह से देख रहे हैं, सूरज पूरी तरह से ढका गया है इधर में, तो इस तरह से मौसम कर दिया है पूरी तरह से बादल बादल। तो अभी से ब्लॉग स्टार्ट कर दिए हैं और हम लोग का घर का ये काम अभी हम लोग का नहीं हो रहा है क्योंकि मिस्त्री जो है ना, मिस्त्री लोग नहीं मिल रहे हैं क्योंकि इंदिरावास सारे कोई का घर इधर मिला हुआ है और बहुत सारे कुएं भी मिले हुए हैं, तो इस वजह से सारे मिस्त्री लोग, मतलब घर गांव के जितने भी मिस्त्री हैं, सारे कोई काम में लग चुके हैं, तो अभी कोई मिल नहीं रहा है। वैसे बात किए हैं तो बोले हैं कल या परसों दिन से 2 दिन बाद में फिर हम लोग का भी काम शुरू होगा। मिस्त्री एक है, उनसे बात हुई तो बोले कि उसको कंप्लीट थोड़ा सा बचा हुआ है, इसको कंप्लीट कर देते हैं उधर का काम, फिर उसके बाद में आपका काम कर देंगे शुरू। तो इस वजह से हम लोग का काम जो है इस तरह से बिखरा पड़ा हुआ है और हम लोग को अभी कई दिन अभी बाहर में बना करके खाना है, अभी तो कह नहीं सकते हैं। तो इसी तरह से हम लोग का पकाना खाना अभी कुछ दिन चलता ही रहेगा। और अभी तो हम आम काट रहे थे, ये देखिए हाथ में पूरी तरह से ऐसा हो गया है, काला काला एकदम दोनों हाथ में है। तो अभी हम आम काट रहे थे तो आम काट करके आधा छोड़ दिए हैं और आधा मेरा बाकी रह गया है। इसको हम लोग सुबह में, मतलब हम जा करके लाए थे, तो इतना सारा हम यहाँ पर बोरे में काट लिए हैं। और ये देखिए ये जो है कुहू है, फाड़ फाड़ करके हम यहाँ पर रखे हुए हैं और यहाँ पर इतना सारा आम अभी भी बचा हुआ है, ये देखिए इसको यहीं पर रहने देंगे और ये वाला को यहीं पर डाल देंगे क्योंकि ये रात भर रहेगा आज, उसको कल घाटेंगे क्योंकि अभी तो बादल बादल कर रहा है और धूप तो अभी निकला हुआ है नहीं, तो इस वजह से अभी उसको बोथ करके छोड़ देंगे, रात भर रहेगा। नहीं तो इस तरह से पूरी तरह से, मतलब जिस तरह से पकता है ना उस तरह से कलर आ जाएगा, तो सोच रहे हैं कि यहीं पर डाल देंगे और आधे आम को हम इधर ही में रहने देंगे क्योंकि थोड़ा बहुत पकेगा उसको खाएंगे। चलिए ये वाला आम को हम यहीं पर डाल देंगे, बैठी को साइड कर लेते हैं ऐसे। और हमारे घर में कोई फाड़ता नहीं है, सिर्फ हम ही केवल फाड़ते हैं, कोई नहीं फाड़ते हैं, और फाड़ने में बहुत ज्यादा ताकत लगता है इसलिए कोई फाड़ने का नाम ही नहीं लेते हैं। आधे को रहने देंगे, देखते हैं अगर शाम हो जाएगा तो शाम को खाना वगैरह बना करके और उसके बाद में आधे और फाड़ देंगे। हम गए थे कम से कम 5 से 6 किलोमीटर गए होंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर में था ये आम, और मतलब कोई किसी ने हम लोग को बुलाए फ़ोन करके कि आइए यहाँ काम ले जाइए, तो इस वजह से गए थे, नहीं तो फिर उधर में तो कोई आम तो छूने भी नहीं देगा क्योंकि सबका अपना अपना होता है ना, तो कोई तो छूने भी नहीं देगा, तो बुलाए थे तो वही गए थे और पड़ोसन लोग भी और भी गए थे, तो वही लोग के साथ में गए थे हम भी। इसको यहाँ पर डाल दे रहे हैं, तो सारे आम को हम डाल दिए हैं, इस तरह से रहेगा, फूलते रहेगा ये, और इसको इसे ढक देंगे। और ये बोरा से, मतलब कि आधा आधी बोरा लाए हैं और यहाँ पर इतना अभी बिखरा ही पड़ा हुआ है। ये वाला आम जो है ना काफी ज्यादा मीठ लगता है, इसको रहने देंगे, और ये वाला तो वही वाला आम है, खट्टा लगता है, इसी का अचार रख रहे हैं। इस तरह से एकदम पूरी तरह से झोपे झोपा है, अचार रखना है इसलिए। तो चलिए अभी तो शाम होने वाला है और हमारा काम करने का टाइम भी हो गया है, तो बर्तन वगैरह सारे इस तरह से बिखरे पड़े हुए हैं और इधर भी, और अंदर से बर्तन निकाले भी नहीं हैं, डेक्चा कढ़ाई। और आप सभी देखे होंगे ब्लॉग में कि चारू पापा सुबह में खाना बना रहे थे क्योंकि हम थे नहीं, धूप जल्दी आ जाएगा इस चलते हम जल्दी निकल गए थे बड़ी मम्मी के साथ में, पड़ोस लोग जा रहे थे तो
तो चलिए चलते हैं बर्तन धोने। तो घर का काम अभी खत्म कर दिए, झाड़ू भी लगा दिए और उसके बाद में बर्तन भी धो लिए और यहाँ पर पानी ला लिए हैं। तो इधर ही बाहर में रख दिए हैं क्योंकि इधर ही खाना बनाना होता है, तो सोचते हैं कि कितना घर से और निकल निकल करके पानी को लाते रहेंगे, इसलिए इसको पानी को हम बाहर में रख दिए हैं। और अभी फिलहाल धराना है चूल्हा। शाम तो हो गया है और घर को झाड़ू लगा दिए और उसके बाद में आम को अच्छे से यहाँ पर झोला में भी रख दिए हैं और यहाँ पर है। इसको तो अब कल तैयारी करेंगे, फिलहाल अभी खाने बनाते हैं। खाने में क्या बनाए समझ में तो नहीं आ रहा है, सोच रहे हैं कि कुछ अच्छा ही बनाए। वैसे तो हमको थोड़ा थोड़ा मीठा खाने का मन कर रहा है कि थोड़ा सा आटा का ही मीठा बनाए, और वैसे हमारे घर में अभी कोई नहीं है, सारे कोई अभी उधर बैल बकरी बांधने के लिए चल गए हैं। तो चलते हैं, पहले आटे वगैरह निकालते हैं और उसके बाद में थोड़े थोड़े गुड़ डाल करके थोड़ा सा मीठा बनाएंगे ताकि अच्छा लगेगा खाने के लिए। और बहुत दिनों से खाए नहीं है, उधर ही मेरा तबीयत ही ख़राब हो गया था तो बनाने भी नहीं पा रहे थे और कुछ काम तो करने नहीं पा रहे थे, तो किसी तरह से पका कर खा रहे थे। तो वैसे तो अच्छा कोई रेसिपी भी नहीं बनाए हैं, तो सोच रहे कि अभी आटे से ही बनाएंगे पुआ। तो चलिए पहले चूल्हा धरा लेते हैं, फिर उसके बाद में आटे वगैरह सारे कुछ तैयारी करते हैं। तो चलिए अब बनाने के लिए सारे तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर हमने गुड़ निकाल लिए हैं और ये हमारा आटा और ये थोड़ा सा है सूजी, सूजी को डाल करके बनाएंगे, थोड़ा सा ठीक लगेगा। वैसे छूछे आटा का भी बनेगा, छूछे आटा और उसके बाद में चीनी रहेगा तो दोनों से ही बन सकता है, लेकिन सोच रहे हैं कि जब सूजी भी है तो सूजी को भी डाल देंगे, अच्छा रहेगा। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा पानी में गर्म कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा चूल्हा धरा करके पानी को गर्म कर लिए हैं, इस तरह से डाल देंगे ताकि हमारा पानी भी सुसुम हो जाएगा और उसके बाद में गुड़ जो है पूरी तरह से घुल जाएगा। तो हल्के सा इसको हम घोल लेते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर हमारा आटा है और उसके बाद में ये हमारा सूजी, तो सूजी और आटे को हम यहाँ पर डाल देंगे, मिक्स कर देंगे। और उसके बाद में अब हमारा गुड़ वाला जो पानी है ना पूरी तरह से उतार करके हम छोड़ दिए थे, तो ये हमारा सुसुम हो गया है। ये देखिए कटोरी में कर दिए हैं, तो ये दागेगा नहीं, सुसुम हो गया है। तो चलिए अब हम इसको यहाँ पर डाल देंगे, मिक्स कर लेते हैं इस तरह से। अब अच्छे से पूरी तरह से इसका हम घोल बना लेते हैं। तो हम करछुल से ही इसका घोल बना रहे थे तो बनने में दिक्कत हो रहा था, तो हम यहाँ पर हाथ से ही बना दिए हैं इस तरह से अच्छे से। काफी मस्त एकदम बन के तैयार हो गया है। चलिए अब इसको रख देते हैं थोड़ा सा साइड में। चलिए अब चूल्हे अच्छे से धरा लेते हैं और उसके बाद में कढ़ाई तो चढ़ा दिए हैं लेकिन इसमें थोड़ा और भी डाल लेंगे। तो हम बनाना स्टार्ट कर दिए हैं और ये यहाँ पर बना लिए हैं। तो चारू पापा का कॉल आ गया था तो किसी से बातें कर रहे थे, पर्सनल बातें, तो इस वजह से हम ब्लॉग में नहीं बताएं। तो चलिए ये पहला पुआ है तो यहाँ पर रख दे रहे हैं साइड में। ये वाला पुआ चूल्हे का ही रखाता है, चूल्हे देवता का। तो ये जो है ना ये हम लोग नहीं खाएंगे, ये वाला को मम्मी खाएगी, तो वहीं पर रहने दे रहे हैं। और यहाँ पर हमारा घोल है पूरी तरह से तैयार इस तरह से। चलिए अब हम उठा उठा करके डालेंगे। तो इस तरह से हो गया है। तो चलिए इसको पलट देते हैं।
हल्का सा लगता है, थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, तो इसको हम पतला करेंगे। इस तरह से हो जा रहा है, प्लेन नहीं बन रहा है, इसको हम पतला कर देंगे ताकि अच्छा रहेगा। तो हमारा पुआ बनके तैयार हो चुका है, आटे का पुआ। तो हमने इसके साथ में चटनी भी बना दिए हैं, और इतना सारा हमारा बना हुआ है, ये देखिए यहाँ पर, देखिए इस तरह से हमने बना करके रख दिए हैं। और इसके साथ में तो चटनी होना चाहिए ना, तो हमने यहाँ पर टमाटर की चटनी बनाए हैं। तो इसको हम यहाँ पर थाली में निकाल लेंगे इस तरह से, और ये हमारा पुआ। इस तरह से काफी मस्त हमने खाने निकाल दिए हैं। और आप सभी को बता देते हैं कि हमारा पुआ किस तरह से है। ये देखिए काफी मस्त एकदम फूला हुआ है और पका हुआ है। तो चलिए हम रख देते हैं, और अभी खाने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। अभी चारू भी खाई, एक उसको दिए खाई, और उसके बाद में बोल रही है बाबू घर तरफ जाएंगे, तो बाबू घर तरफ चल गई है उधर। और उसके बाद में फिर पीछे पीछे दादी भी गई है, क्योंकि रात का समय है, उसको अकेले तो छोड़ नहीं सकते हैं, रात को आओ इधर उधर आते जाते रहेगी तो पता नहीं, गर्मी का मौसम है, सांप वगैरह बिच्छू वगैरह रास्ते में रहेंगे, तो इस चलते चारू की दादी भी गई है, तो दोनों उधर ही में हैं। और बाबू आराम से लेटा हुआ है, ये मीठा चीज़ों तो खाता ही नहीं है, और अभी गर्मी का मौसम काफ़ी ज़्यादा है, तो सोच रहे हैं कि सारे परिवार साथ में रहेंगे तो आराम से खाएंगे। तो आप सभी को हम बता दिए, और चलिए ब्लॉग को इतने रखते हैं, मिलेंगे कल के वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय। कैसा मेरा पुआ बना है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर हम हल्का सा पानी से डाल देंगे, अब अच्छे से इसको हम मिला लेते हैं। तो चलिए इसको निकाल देते हैं। पहला पुआ, अब फिर अब हम डालते हैं। आग हमारा हीट हो चुका है, इसको कम कर देते हैं। आग भी पूरी तरह से हीट हो जाएगा ना तो बनेगा ही नहीं। तो ये भी बनके तैयार हो गया है अच्छे से, इसको भी निकाल देते हैं। तो कुछ सुधर गया है, अच्छा से बनना शुरू हो गया है, काफी मस्त एकदम, देखिए कलर भी अच्छे आ रहे हैं और फूल भी रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा चार बन गया, और चारू आ करके पहले तैयार है। पकोली, पकोली नहीं है, पुआ है। पुआ? हाँ, पुआ खाएगी। हाँ। तो चारू काफी ज्यादा तंग कर रही है, तो इसको दे देते हैं एक ऐसे फाड़ करके। ये देखिए काफी मस्त एकदम बना हुआ है, फूल फूल भी गया है, गरम है, दागू करेगा, रुक जाओ। इस तरह से छोटे छोटे कर दे रहे हैं ताकि दिक्कत ना हो खाने में, ऐसे करके ना। तू खाएंगे? हम नहीं खाएंगे, नहीं, नहीं, हम बाद में खाएंगे, तुम अब, हाँ तुम अभी खा, है ना, लो, गरम है अभी, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। हाँ, और यहाँ पर हम एक डाल दिए हैं, इसको पलट लेते हैं इस तरह से। अच्छे से खाना, अच्छे से खाना ना, दा गरम है, अच्छा फूक फूक के खाना हो।